ये बात है। और हमें लगा कि तू लंदन में है, इतना जल्दी इंडिया नहीं आएगा और नीति को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन हमने नीति को बताया कि तू राजीव है यानी परी का हस्बैंड, उसके अगले दिन ही तू नीति से मॉल में टकरा गया। बट थैंकफुली हमारी किस्मत अच्छी थी कि तेरी उससे बात नहीं हुई, हमें लगा कि हम बच गए। लेकिन अगले दिन मॉन्टी ने तुझे बीजी के बर्थडे पे इनवाइट कर लिया। बट थैंकफुली उस टाइम भी किस्मत हमारे साथ थी कि तू दाढ़ी मूछ लगा के आया था, हमें लगा हम फिर बच गए। नहीं नहीं एक सेकंड, मतलब बीजी के बर्थडे पार्टी पे मैं बाय चॉइस इनवाइटेड नहीं था, गलती से हो गया? नहीं नहीं विशाल जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। राशिद तो अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहते थे पर आपको नहीं बुला सकते थे, क्योंकि अगर नीति ने आपको देख लिया होता तो उसे सारा सच पता चल जाता। अब क्या तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? What do I do? हम दोनों चाहते हैं कि तू नीति के लिए राजीव बन जा। मतलब जब जब तू नीति से मिले उसको भरोसा दिला दे कि तू ही राजीव है, तू ही परी का हस्बैंड है। नहीं यार क्या बात, नो चांस मैन। भाई मानता हूँ मैं लंदन में रहता हूँ पर कल्चर से इंडियन हूँ मैं। ये जो फालतू की हरकतें तू कर रहा है ना, दो दो लड़कियों से शादी करके मुझे मत इन्वॉल्व कर भाई। मैं आई कांट, मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। अगर नीति को सच पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी विशाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बर्बाद तो होगी ना भाई, पाप किए तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। क्या कर रहा है यार, एक साथ दो दो लड़कियों के साथ शादी कर रहा है, दो दो लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रहा है, पाप कर रहा है यार तू। और तू चाहता है इस पाप में मैं तुझे सपोर्ट करूं, चांस ही नहीं है भाई। नो सॉरी मैन, नो दिस इज नॉट गुड। विशाल जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। नीति सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं है, वो मेरी जान है, मेरी बहन है, वो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी बट आपकी सौतन है वो फ्रेंड। वो एक्चुअली परी और नीति बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या बात कर रहा है, क्या खिलाड़ी निकला यार तू, वो तो बढ़िया गेम खेल रहा है। बचपन की दो बेस्ट फ्रेंड्स को तूने स्वतंत्र बना दिया यार। मैंने तू भाई सुन मेरी बात, क्या कर रहा है? बिजनेस आईडिया देता हूँ, ये अपनी स्टोरी को ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दे, लोग बिंज वॉच करेंगे, आराम से देखेंगे इस स्टोरी को। क्या व्हाट इज दिस, आई एम सॉरी बट विशाल जी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। नीति अभी प्रेग्नेंट है, कुछ दिनों पहले उसकी ब्रेन की बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई भी सदमा या शॉक उसकी जान ले सकता है या फिर उसका मिसकैरेज भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों को ये करना पड़ रहा है और हम आपके पास मदद मांगने आए। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो फाइनली अपने घर जा रही है, वो भी अपने राजीव के साथ। मुझे तेरी बहुत याद आएगी यार, पर राजीव के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि तू मुझे भूल जाए या फिर हम दोनों मिले ही ना। हम रोज मिलेंगे ठीक है? क्या हुआ, तू काफी परेशान लग रहा है। परी लिसन, मुझे कल काम के सिलसिले में इस्तांबुल ट्रैवल करना पड़ेगा। आई स्वेयर मैंने बहुत ट्राई करा, डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, बट यू नो हाउ इट इज, इट्स वर्क। अरे ऐसे कैसे, तुम दोनों इतने टाइम बाद मिले हो, थोड़ा टाइम तो एक साथ स्पेंड करना चाहिए ना। आई नो यार, मैं भी यही चाहता था, बट यू नो वर्क इज वर्क और यही तो टाइम है करियर बनाने का यार। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी बट जाना पड़ेगा। ओके पर आज तो तुम परी के साथ हो ना? आज तो हूँ बट मुझे तुम दोनों से कुछ बात भी करनी थी। और यू नो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस्तांबुल जा रहा हूँ, पर जब तक मैं इस्तांबुल से वापस नहीं आता, क्या तुम लोग परी का ख्याल रखोगे मेरे लिए? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आई होप नॉट, प्लीज। एक शर्त पे। हाँ बोलो ना, शर्त बताओ। आज तुम परी के साथ एक रोमांटिक डिनर करो। नहीं नहीं देखिए मजाक, बॉल ठंडा कर रहा था, रिमेम्बर? ऑफ कोर्स, डन डन। हाँ? ठीक है तो मैं अरेंजमेंट्स कर देती हूँ, ठीक है? Okay. रेडी हो जाना। या थैंक यू। अरे क्या थैंक यू यार, थैंक यू बचा ली तूने। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलियो भी मत और थैंक यू मत बोल, ये सब मैंने तेरे लिए नहीं किया, ये सब मैंने परी के लिए किया। परी ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई है यार। राजीव कौन करता है ऐसे आजकल, अपनी दोस्ती बचाने के लिए शादी कुर्बान कर दी। Hats off to you, man, Pari. तो
तुम सच में ग्रेट हो परी। आज फिर तुमने मुझे प्रॉब्लम से बचा लिया। तुम्हारा नाम ही परी नहीं, सारे काम भी परी जैसे होते हैं। सच में कोई एंजल हो तुम, जिसे भगवान ने मेरी लाइफ में भेजा है। जल्दी तुम्हें वहां जाने की, थोड़ा टाइम और स्पेंड करने दो ना इन्हें एक साथ। नीति वो टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, देखो कैसे चुपचाप बैठे। आई एम श्योर आधे घंटे से ना आसमान ही दिख रहे होंगे। संजू एक बात बताओ, ये दोनों असली में हस्बैंड वाइफ है भी या नहीं? तभी मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज करो ना, एक दूसरे को अच्छे से जान लो, नहीं तो वैसे ही बोर होते रहोगे और आसमान ताकते रहोगे। करेक्ट करेक्ट। संजू कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हो? इन दोनों ने अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट ही नहीं किए हो? परी परी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? परी, वहां से नीति हमें देख रही है, थोड़ी एक्टिंग करो ना परी। आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा क्या? अरे परी, तुम कुछ खा के नहीं रहे हो? इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है तुम्हारी फ्रेंड नीति ने, देखो ना कितनी अच्छी डेकोरेशन है, इतना कुछ खाने को पड़ा हुआ है, मीठा है, चाइनीज है, ड्रिंक है। सहेली से याद आया, मतलब क्या लड़की है नीति, शी इज अ फैंटास्टिक गर्ल। क्या नीतियां बनाती है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, आई एम सो इंप्रेस्ड। मैं तो धन्य हो गया नीति से मिलके। नीति इज नाइस, शी इज नाइस। संजू ये आदमी है या पजामा? हां इसे मुझसे नहीं परी से इंप्रेस होना है। देखो एकदम नीति, यार तुम भी ना कर रहे ना उससे बात। ये बेचारी परी को मैंने कहां फंसा दिया? मुंह खोलो अपना। अब इसको क्या हो गया, ये सब क्यों कर रहा है? ये तो मैं अपनी परी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। जी मत करो परी, नीति हमें देख रही है छुपके। प्लीज मेरी वाइफ होने की थोड़ी सी एक्टिंग कर लो परी। आप तुम्हारी बारी, मुझे भी तो खाना है ना, रोमांस तो दोनों साइड से होगा है ना? जी हाँ जी। एक बार नीति को दोनों साइड से प्यार दिखा देता हूं, ताकि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो और मेरा पीछा छूटे इन सबसे। क्या सोच रही हो परी, खिलाओ। आई नो परी से ये सब नहीं होगा, मुझे जाके परी की हेल्प करनी चाहिए। संजू, संजू, मौसम कितना अच्छा है ना। ओह आ गए, नीति भाभी कहाँ, वो नहीं आई? ये संजू भी ना सब पर बात कर दिया इसने। इतना रोमांटिक माहौल चल रहा था, लेकिन ये पागल कहीं का। मेरी बेचारी परी इतने प्यार से राजीव को अपने हाथों से कुछ खिलाती, इससे पहले इसने एंट्री मार ली। ये आदमी ना, बाय गॉड, इसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। खुद की बीवी से पूरा दिन रोमांस चाहिए, लेकिन दूसरे की बीवी अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड ना करे,
संजू हाँ, अब क्या करूं, करती डेट खराब। नीति भाभी नहीं आई? मेरी ओह देयर शी इज़।